वेलकम बैक गाइस। आज हम पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज में नेक्स्ट वीडियो देखने जा रहे हैं। फंक्शन पे ही देखेंगे, बट फंक्शन में और डीप में जाएंगे, लाइक फंक्शन में क्या क्या होता है। आज मेन आर्गुमेंट देखेंगे। आपने हमने पिछले वीडियो में देखा था आर्गुमेंट क्या होता है। सिंपल, जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, डेफ कीवर्ड के साथ फंक्शन का नाम कुछ भी लिख देते हैं, लाइक सम करेगा नंबर को एंड रिटर्न रिटर्न, एंड सम को कॉल करते हैं एंड जो रिटर्न वैल्यू करेगा उसे हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। प्रिंट कराते हैं उसको, प्रिंट str देन रन। हुआ क्या, हमने फंक्शन बनाई सम करके एंड कोई आर्गुमेंट नहीं है उसके अंदर। सिंपली आप देख सकते हैं पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस जो है उसके अंदर, हमने फंक्शन के अंदर कोई भी आर्गुमेंट हमने पास नहीं किया है। तो यहाँ पर भी कोई आर्गुमेंट, उस आर्गुमेंट के लिए कोई वैल्यू हमने ली नहीं है। तो रिटर्न सिंपल सम कर रहा है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। मीन्स कोई स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, तो ये जो रिटर्न करेगा मीन्स कहाँ जाएगा, जो कॉल कर रहा है उसके पास जाएगा। तो सम यहाँ पे आएगा, सम को str वेरिएबल में स्टोर किया एंड प्रिंट str कर दिया, मीन्स सम प्रिंट हो गया। तो सिंपल आर्ग्यूमेंट, आज हम आर्ग्यूमेंट जानने वाले हैं। लाइक हमने सम करना है नंबर का, तो सपोज हमने सम फंक्शन बनाया एंड सम के अंदर हमने सम करना है नंबर का, लाइक आप 2, 3, 4 करना है। तो इसके लिए हमने आर्ग्यूमेंट पास किया 2, 3, 4, 5 एंड यहाँ पे हमने इस आर्ग्यूमेंट के लिए हमें वैल्यू चाहिए a, b, c, d, ठीक है। तो हुआ क्या, यहाँ से चार आर्ग्यूमेंट हमने पास किया और यहाँ पे हमने उसके लिए चार वेरिएबल लिया जिसके अंदर ये आर्ग्यूमेंट होंगे, असाइन होंगे। तो प्रिंट करवा के भी दे सकते हैं ए के अंदर, बी के अंदर, सी के अंदर, डी के अंदर क्या है। सिंपली हम आज दूसरा चीज़ देखने वाले हैं एंड अगर हमें सम करना है इन चारों नंबर का, ठीक है, तो कैसे करेंगे। ए प्लस बी प्लस ए प्लस डी, एक सम वेरिएबल लेते हैं, और लेते हैं ऐड ले लेते हैं, ऐड ए प्लस बी, इसके बाद हमने रिटर्न करना है ऐड को। अब हुआ क्या, सिंपली रन करके देखते हैं, 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14। तो हुआ क्या, सिंपल हमने एक फंक्शन बनाया सम करके जो आर्गुमेंट फोर आर्गुमेंट ले रहा है अपने अंदर, ठीक है। मींस यहाँ पे जब हम कॉल करेंगे तो चार आर्गुमेंट उसे चाहिए ही चाहिए। 2, 3, 4, 5 लिया एंड ए बी सी डी में 2, 3, 4, 5 चला गया। सिंपल उसके बाद ए बी सी डी, ए में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी किया, 14 हुआ, 14 को हमने ऐड के अंदर स्टोर कर दिया। तो रिटर्न हम ऐड कर रहे हैं, मीन्स ऐड के अंदर 14 वैल्यू है। तो रिटर्न जो कर रहे हैं ऐड, तो ये कहाँ जाएगा, तो वहाँ पे जाएगा जहाँ से ये कॉल हुआ है, ठीक है। तो सम के अंदर 14 आ गया, इस ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है हमें 14, 14 को str वेरिएबल के अंदर स्टोर किया एंड प्रिंट करा दिया। तो एक और इसमें होता है, जब आप मान के चलिए ऐसे ही आप लाइक ऐसे मल्टीपल वैल्यू दे रहे हैं, 2, 3, 4, ऐसे करके, इसको बोलते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। मीन्स जिस पोजिशन पे जो होगा, जैसे 2 है तो इस फर्स्ट पोजिशन पे है तो ये फर्स्ट वाले पे जाएगा, 2 3 है तो सेकंड पे, बी है तो बी में 3 जाएगा, ठीक है। तो एक और तरीका है इसको ऐसे करने के लिए, लाइक आप यहाँ से कितने भी आर्ग्यूमेंट पास कर लीजिए, तो यहाँ पे वेरिएबल आपको लेने की ज़रूरत नहीं है इतना। मान के चलिए 1000 है, तो यहाँ पे 1000 वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा सिंपल एक तरीका है, प्री डिफाइंड आता है इसमें फंक्शन के अंदर, आर्क्स करके, आर्क्स ये देखिए आ गया, स्ट्रिक्ट एंड आर्क्स, ठीक है। तो आपको सबसे पहले दिखाते हैं ये होता है।
है आर्क्स, करता क्या है एंड होता क्या है। सिंपली देखिए, हमने आर्ग्यूमेंट यहाँ से पास किया, ठीक है, एंड ये आर्ग्यूमेंट इसके अंदर चला जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर। स्ट्रिक्ट नहीं देखना आपको, आर्क्स देखना है, प्रीडिफाइंड है, आर्क्स के अंदर चला जाएगा, मीन्स एक वेरिएबल के अंदर ये चला जाएगा, ठीक है। तो आर्क्स क्या हमें पता करना है, प्रिंट कराते हैं आर्क्स को, एंड देन प्रिंट कराते हैं टाइप ऑफ आर्क्स को। आपको क्लियरली अभी समझ आ जाएगा ये है क्या। ये देखिए, सम फंक्शन बनाया, उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास किया, कितने भी आर्ग्यूमेंट आप पास कर सकते हैं, हजारों, कितने भी आर्ग्यूमेंट। तो अगर आप यहाँ पे, पहले हम क्या करते थे, वेरिएबल उसके लिए लेते थे उस आर्ग्यूमेंट के लिए, क्योंकि उस वेरिएबल में स्टोर होता था। तो जब आर्क्स लिखेंगे, स्ट्रिक्ट आर्क्स मीन्स कि उस वेरिएबल के अंदर आप जितनी मर्जी आर्ग्यूमेंट पास करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ये स्टोर कर लेगा। तो वही है प्रिंट आर्क्स, स्टोर कर लेगा। मतलब ये कैसे, जैसे आप टपल बनाते थे, सिंपली टपल, टपल एंड डिक्शनरी आपको इस वीडियो से पहले देखना चाहिए, अगर आपको समझ में नहीं आए तो टपल एंड डिक्शनरी क्या होता है एंड सिंपली। तो प्रिंट हमने कराया आर्क्स, आर्क्स क्या है यहाँ पे, ये देखिए आर्क्स के अंदर ये जो आर्क्स है यहाँ पे, एक वेरिएबल है जो इन सब आर्ग्यूमेंट को ले रहा है एक साथ, वो टपल है। टपल क्या करता है, कलेक्शन होता है लिस्ट की तरह, बट बहुत डिफरेंस है दोनों में। तो ऐसा समझ लीजिए कि ये कलेक्शन होता है किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए। तो सिंपल कैसे पता चला ये टपल है, एक पैरेंथेसिस लगा हुआ लिस्ट में, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, एंड हम टाइप ऑफ आर्क्स, सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो मीन्स आर्क्स जो है यहाँ पे, ये इसके अंदर जो ये सारी वैल्यू स्टोर हो रही है, तो ये किस टाइप का है जो स्टोर कर पा रहा है, ठीक है, वो टपल टाइप का है, मीन्स इसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। सिंपली अगर 23, 45 भी डाल दें, ये भी स्टोर होगा आर्क्स के अंदर। ये देखिए ये चला गया, मीन्स इसके अंदर आर्क्स के अंदर, आर्क्स एक वेरिएबल है जिसके अंदर ये इतनी सारी वैल्यू है। तो आपको प्रिंट आर्क्स हो गया, मीन्स आर्क्स के अंदर इतनी सारी वैल्यू स्टोर है, तो आपको प्रिंट करवाना है क्या करके। तो आप सिंपली फॉर लूप लगा सकते हैं, फॉर एक्स इन आर्क्स, प्रिंट कर दो। ये देखिए आपको सिंपल समझ आ जाएगा, आप एक एक करके ये देखिए। सिंपली हुआ किया, ये जो आउटपुट आपने देखा लास्ट में, नन नन क्यों आ रहा है ये भी बताऊंगा। सिंपली देखिए प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे हुआ, सब हम फंक्शन बाद में देखेंगे, पहले कॉलिंग देखते हैं, क्योंकि स्टार्ट होगा कॉलिंग से ही। कॉल किया सम फंक्शन को, ये सम हमने उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास किया है, 6-7 आर्ग्यूमेंट जितने भी हैं, उसके लिए हमने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, ए बी सी डी ई एफ जी। सिंपली हमारे पास प्री डिफाइंड आता है आर्ग्स करके, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स एक सिंपल कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे आप। आर्क्स तो मैंने वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आर्क्स दिया है, बट उसके लिए स्ट्रिक्ट सिंबल प्री डिफाइंड है कि आपको डालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आर्क्स के अंदर ये सारी वैल्यू आ गई है, एज इन द टपल फॉर्म सारी वैल्यू आ गई। प्रिंट आर्क्स करो, मीन्स आर्क्स एक वेरिएबल जो थी उसके अंदर सारी वैल्यू आ गई है, उसको प्रिंट करो कि कौन सी वैल्यू आ गई आर्क्स के अंदर, ये सारी जितने आर्ग्यूमेंट भेजी है, तो ये यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंट टाइप ऑफ आर्क्स, हमें पता चाहिए कि इतनी सारी वैल्यू स्टोर कर रहा है, क्या वो लिस्ट लिस्ट के टाइप में कर रहा है या टपल के या डिक्शनरी टाइप में। तो वो हमें बताया यहाँ पे कि नहीं, ये इतना लिस्ट में ना डिक्शनरी में, ये टपल के टाइप में स्टोर कर रहा है। टपल नहीं आता क्या है, तो आप पिछली वीडियो हमारे, हमने बनाया हुआ है टपल के ऊपर, तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं टपल। तो सिंपली दूसरा लाइन एग्जीक्यूट हुआ, टप्पल बता दिया कि जो आर्क्स का जो टाइप है वो टप्पल है, और टप्पल के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। वही सिंपल यहाँ पर भी है, मल्टीपल वैल्यू हम आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं तो ये आर्क्स में स्टोर हो रहा है। फिर हमें टप्पल के अंदर इतनी वैल्यू तो हो गई है, हमें इस वैल्यू, इस
वेरिएबल में इतनी सारी वैल्यू है उसे मैं प्रिंट कराया है फॉर लूप लगा के, फॉर एक्स इन आर्क्स, मीन्स इतनी सारी वैल्यू, पहला एक्स इन आर्क्स, आर्क्स में एक पहले पोजीशन इंडेक्स पे जाएगा टू पे, हाँ एलिमेंट मिल गया, अगर मिल फॉर एक्स इन आर्क, फॉर ऐसा मान के चलिए एलिमेंट एक्स की जगह एलिमेंट इन आर्क्स, हाँ है, मीन्स एलिमेंट आर्क्स में है, इतने सारे एलिमेंट तो है बट एक्स पहले इंडेक्स को ये पॉइंट आउट करेगा, हाँ है तो प्रिंट कर दो एक्स, मीन्स पहले इंडेक्स पे दो है तो दो प्रिंट हो गया यहाँ पे, ये दे, फिर लूप चलता रहेगा फॉर एक्स इन आर्क्स, क्या एलिमेंट है नेक्स्ट नेक्स्ट पोजिशन पे एलिमेंट है, हाँ थ्री है तो वो थ्री एक्स में स्टोर हो जाएगा, देन प्रिंट एक्स, तो प्रिंट थ्री यहाँ पे कर दिया, ये देखिए फिर लूप चलेगा फॉर एक्स इन आर्क्स, क्या नेक्स्ट पोजिशन पे एलिमेंट है, हाँ फोर है तो वो फोर एक्स में चला जाएगा, तो ऐसे प्रिंट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, कहाँ तक 45 तक, ये देखिए यहाँ 45 तक प्रिंट हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद प्रिंट एस टी आर, ये हमने नन क्यों आया है, सिंपली यहाँ पे रिटर्न हमने कुछ नहीं किया है तो, बट हम ये फंक्शन जो है रिटर्न नन करेगा क्योंकि अब इस ये फंक्शन रिटर्न तो कुछ कर ही नहीं रहा है, ठीक है, तो ये है। एंड एक और होता है कि इसको बोलते हैं हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, सिंपली आर्ग्यूमेंट, एक होता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट आपको स्टार्टिंग से बताते हैं क्या होता है, आर्क हमने पढ़ लिया एंड कीवर्ड आर्क, सिंपली मान के चलिए ऐड ऐड बनाया रिटर्न हम ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे, वो क्या रहा है, हमने सिंपल एक फंक्शन बनाया है और इसके अंदर सिंपली रिटर्न करा रहे हैं सम को, यहाँ पे कॉल कर रहे हैं ऐड को, ठीक है। तो इसमें हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट देखने वाले हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होता क्या है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट में फ़र्क क्या है, हमने पिछले थोड़ी देर पहले देखा आर्ग्यूमेंट सिंपली हम 2, 3, 4, 4 ऐसे पास करते थे, सिंपली आर्ग्यूमेंट्स हैं, वैल्यू सिंपल पास करते थे, कीवर्ड मीन्स की के साथ आर्ग्यूमेंट पास करो, ए इक्वल टू 2, B=4, C=6, ये होते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, मीन्स ये वैल्यू जो है विथ की के साथ होनी चाहिए, ए जैसे हमने की यहाँ पे ए डाला है वेरिएबल के साथ होनी चाहिए, आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बोलते हैं तो सिंपली मैं की बोल रहा हूँ, वैसे वेरिएबल यह a=2, b=4, c=6, मीन्स ये बता रहा है कि c के अंदर 6 है, b के अंदर 4 है और a के अंदर 2 है, तो ये की के साथ वैल्यू जा रही है, मीन्स a इज द की एंड उसके अंदर 2 है, b इज द की उसके अंदर 4 है, इसको कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। सिंपली आर्ग्यूमेंट क्या होता था आर्ग्स में कि 6, 4, 2 हम डालते थे, एक की नहीं लिखते थे, ये डिफरेंस है कीवर्ड एंड आर्ग्यूमेंट में। तो इस फंक्शन को कॉल किया हमने और यहाँ पर भी हमारे पास होना चाहिए इसको लेने के लिए a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 6, ऐसे भी दे सकते हैं और वैसे भी अभी बताएंगे आपको रिटर्न। एंड एड इक्वल टू हम ऐड करेंगे तीनों ए बी सी को, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ऐड हो गया हमारा। एंड रिटर्न कर दो ऐड को, रिटर्न करेगा कहाँ पे, ऐड जहाँ से कॉल हो रहा है वहाँ पे आएगा, 6, 4, 10, 2, 12 ऐड किया, रिटर्न ऐड में 12 आ गया, ये रिटर्न करके कहाँ पे जाएगा, जहाँ से कॉल हुआ, यहाँ से कॉल हुआ मीन्स ये फंक्शन रिटर्न करेगा हमें 6, 4, 10, 2, 12, 12, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं सम में, 12 आ गया एंड प्रिंट कराते हैं, देखिए 12 आ गया। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ये होता है कि की के साथ हम वैल्यू पास करते हैं, ये बी सी, ठीक है, अगर सिंपल यहाँ पे ये लिखते ए कोमा बी कोमा सी एंड देन रन 12 सेम आउटपुट, तो आपको यहाँ डालने की जरूरत नहीं है, वो
जो हमने पहले डाला था, मींस ए के अंदर की के साथ वैल्यू जा रही है, मींस ए में हमने 2 स्टोर कर दिया, बी में 4 स्टोर कर दिया, सी में 6 स्टोर कर दिया, मींस ए बी सी जा रहा है यहाँ पे की वैल्यू, तो ए बी सी जा रहा है, तो ए में 2 चला गया, बी में 4 चला गया, सी में, डिफरेंस ये है कि हमने की के साथ यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हैं। सिंपली अगर यहाँ पे नेम भी लिख सकते हैं, नेम इक्वल टू पाइथन पाइथन, ठीक है। अब हम प्रिंट कराते हैं यहाँ पे, प्रिंट नेम, देन रन, ये देखिए आ गया, नेम की के साथ जा रहा है, नेम में पाइथन आ गया, यहाँ पे नेम में पाइथन गया एंड प्रिंट नेम करा दिया हमने, ठीक है। ये कीवर्ड आर्गुमेंट होता है। एंड अगर सिंपली यहाँ पे देखिए, अगर मान के चलिए हमें की के साथ हजारों वैल्यू पास करनी है यहाँ पे, तो कर देंगे, बट यहाँ पर हमें 1000 वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा उसके लिए। तो इसके लिए अल्टरनेटिव ये है कि जैसे आर्ग्स के लिए आर्ग्स था, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट के लिए आर्ग्स था, वैसे ही इसके लिए के आर्ग्स है, कीवर्ड आर्ग्स, एंड ए बी सी नेम, ठीक है। तो ये जैसे आपको यहाँ पे के आर कीवर्ड आर्गुमेंट है, स्ट्रिप्ट सिंबल, जैसे हम क्या करते थे उसमें आर्ग्स में सिंपली हम लिखते थे ARGS, ठीक है, आर्ग्स, ठीक है। मीन्स ये यहाँ से जितनी वैल्यू जाती थी वो वहाँ पे पास हो जाता था, मीन्स एक आर्क्स एक टप्पल के फॉर्म में था, आर्क्स वो टप्पल की तरह लेता था, ठीक है। मीन्स सारी वैल्यू एज अ टप्पल वो ले लेता था, उस वेरिएबल में स्टोर करा लेता था। तो कीवर्ड सिंपली, जब की के साथ हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं तो उसके लिए है डबल स्ट्रिक्ट कीवर्ड आर्क्स। उसमें क्या होता था, आर्क्स होता था, इसमें डबल स्ट्रिक्ट कीवर्ड आर्क्स है, ठीक है। तो कीवर्ड आर्क्स में ये सारी वैल्यू आ गई है की के साथ, प्रिंट करा, आपको पहले होता है प्रिंट करा के देखते हैं कीवर्ड आर्क्स क्या है, एंड प्रिंट टाइप ऑफ कीवर्ड आर्क के आर्क्स जो भी है वो, एंड इसको हटा दीजिए फिलहाल, रिटर्न हम कुछ नहीं करा रहे हैं। आपको बताना है कि ये सारी जितनी भी आर्गुमेंट हमने पास किया है कि अगर की के साथ है उसको हम सिंपल एक कीवर्ड आर्क्स के वेरिएबल में हम स्टोर करा सकते हैं। तो वो वेरिएबल ऐसा क्या है जो इतनी सारी वैल्यू एक साथ स्टोर कर रहा है, वो हमारा होता है डिक्शनरी। ये देखिए कैसे स्टोर कर रहा है की एन वैल्यू के साथ, एंड उसका टाइप क्या है, डिक्शनरी। तो डिक्शनरी पता नहीं क्या होता है तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, ये है। तो सिंपली उसके बाद आप रन इसको लूप कर सकते हैं, फॉर एक्स इन केआर्ग्स प्रिंट एक्स, ये हमें की आउटपुट देगा, मीन्स इतनी सारी वैल्यूज तो है हमारे अंदर केआर्ग्स के अंदर। ये की है ए, उसकी वैल्यू है 2, बी की है उसकी वैल्यू है 4, सी की है उसके अंदर है 6। तो मीन्स हमें सिर्फ ये जो प्रिंट हो रहा है फॉर एक्स इन के आर्क्स, तो पहला एलिमेंट मिलेगा इसे के आर्क्स के अंदर, तो एक्स प्रिंट करेगा, एक्स क्या है यहाँ पे की प्रिंट करेगा, ए बी सी प्रिंट किया, एंड नेम, नेम भी की है। अगर हमें दोनों की एंड वैल्यू प्रिंट करना है एक्स कॉमा वाई एंड के आर्क्स, डिक्शनरी है के आर्क्स, एक टाइप से डिक्शनरी है टाइप क्या है ये, एंड आइटम्स एक फंक्शन है जो हमें की एंड वैल्यू पेयर आउटपुट देगा एक्स कॉमा वाई, एंड इसको रन करेंगे तो ये हमें आउटपुट देगा डिक्शनरी प्रिंट। ये हुआ की आर्क सबसे पहले जब ऐड फंक्शन को कॉल किया तो 2, 4, 6, 8 के साथ के आर्क्स में ये सारी वैल्यू स्टोर होगी। ऐसे क्यों स्टोर होगी,
ये डबल स्ट्रिक्ट सिंबल है उसके साथ ये केआक्स लिखा हुआ, कुछ भी लिख सकते हैं, नाम है वेरिएबल का तो डिक्शनरी टाइप में है, तो इसको की एंड वैल्यू के पेयर में स्टोर करेगा। ये देखिए A2 है, यहाँ पर भी A2 है, B4 है, C6 है, नेम पाइथन है डिक्शनरी के टाइप में। कैसे पता चला ये डिक्शनरी वेरिएबल है? क्योंकि ये टाइप हमने जब प्रिंट करा केआक्स का तो ये डिक्ट बताया, तो की एंड वैल्यू पेयर में। अब अगर हमें लूप करना है इस डिक्शनरी को की एंड वैल्यू पेयर आउटपुट दे, तो सिंपली एक्स एंड वाई, एक्स के अंदर पहले के आर्क्स डॉट आइटम्स हमें डिक्शनरी को ट्रेड करेगा एंड एक्स कमो वाई, एक्स के अंदर की जाएगा और वाई के अंदर वैल्यू जाएगा, क्योंकि हर एक आइटम में की एंड वैल्यू एज ए स्टोर होता है। सिंपली ये प्रिंट हो गया, ठीक है। और मेन प्रॉब्लम आता है कि अगर मान के चले के आर्क्स है तो आप वो आर्क्स भी आप मान के चलिए यहाँ पे पास कर रहे हैं, सिंपली मान के चलिए यहाँ पे दोनों एक साथ आर्क्स एंड यहाँ पे पास कर दिया 2.4.5, ये भी तो आर्ग्यूमेंट ही है, सिंपल आर्ग्यूमेंट जो हमने पिछली बार बताया था आर्क्स, ये था की के साथ कीवर्ड आर्क्स एंड ये था आर्क्स, तो ये एरर क्यों दे रहा है ये आपको बताता हूँ मैं। ये देखिए ये इनवैलिड सिंटैक्स इसलिए बता रहा है, अभी मीन ये होता है कि जब आप दोनों एक साथ पास कर रहे हैं आर्क्स एंड कीवर्ड आर्क्स, मीन्स आर्ग्यूमेंट सिंपल इतना सा एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्यू के साथ इतना, तो आपको फॉलो करना होगा रूल। रूल ये कहता है कि आपको पहले पहले देना होता है ये आर्ग्यूमेंट, सिंपल आर्ग्यूमेंट, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, उसके बाद ही आप दे सकते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। ये नहीं कि पहले ही हमने यहाँ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दे दिया इतना सारा एंड उसके बाद ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, ऐसा नहीं कि ये हमने बाद में लगा दिया इसके बाद कीवर्ड आर्ग्यूमेंट तब एरर देगा। तो यहाँ पर भी आपको यही करना पड़ेगा कि आर्ग जो है आपका पहला आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। ये रन हो जाएगा 2, 3, 4, 5, इतना सारा ये जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है ये आर्क्स के अंदर जाएगा और कीवर्ड के आर्क्स के अंदर क्या जाएगा ये सारा जो कीज के साथ जितनी है, सिंपली ये आउटपुट आपको ये देखने आए आउटपुट शो होगा। एंड आर्क्स के लिए सिंपली आप देख सकते हैं फॉर एक्स इन आर्क्स, इस आर्क्स प्रिंट करा दीजिए एक्स को, ये हमें प्रिंट क्या देगा, पहले तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट की जितनी वैल्यू थी वो सारा लूप करके देगा, फिर आर्ग्स में जितनी उतना सारा लूप करके देगा। ये देखिए पहले हमें की एंड वैल्यू पेयर प्रिंट हुआ लूपिंग के थ्रू ये डिक्शनरी का कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का, देन हमें प्रिंट हुआ आर्ग्यूमेंट का ये सेकेंड लाइन। तो सिंपली आपको ध्यान ये रखना है कि आर्ग्स एंड कीवर्ड आर्ग्स में कि सबसे पहले आपको आर्ग्यूमेंट सिंपल आर्ग्यूमेंट पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ये पास करना होता है अगर आप पास करते हैं, एंड सेकंड में कीवर्ड आर्ग्यूमेंट उसके बाद। तो ये होता है आर्ग्स एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट जब आप फंक्शन बना रहे हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।